प्यारे बच्चों, अब तक हमने हमारे माहौल के मुताबिक की दर्शी किताब का सबक नंबर 10 पानी से मुताबिक चंद मालूमात। इस सबक में हमने अब तक जो है साफ पानी, शफाफ शय, गैर शफाफ शय, पानी की अपनी कोई शक्ल नहीं होती, पानी ऐसा भी होता है और पानी की हालतें, इस तालुक से मालूमात हासिल करे थे। अब आगे हम देखेंगे पानी गायब हो जाता है और पानी में चीजें हल होती है। बच्चों, हम देख रहे हैं पानी का गायब होना। देखो बच्चों, मैंने एक गरम तवा लिया हो, उस पर मैं पानी के कुछ कतरे डाल रहा हो, आप उसका बगौर मुशाहिदा कीजिए। देखो, अब नजर आ रहा है कि जो पानी जो है, भाप बना हुआ पानी गायब होता हुआ। बच्चों, इससे क्या जाहिर हुआ? इससे जाहिर हुआ कि तवा बहुत गर्म था, तवे की हरारत से पानी के कतरे भाप में तब्दील होकर गायब हो गए। तो हम कह सकते हैं कि पानी को हरारत मिलने पर वो भाप की शक्ल में गायब हो जाता है। बच्चे, हम देख रहे हैं कई चीजें पानी में हल हो जाती है, जैसे नमक, शक्कर, गुड़, इसी तरह की कई सारी चीजें पानी में हल हो जाती है। ये चीजें पानी में हल हो जाने के बाद हमें नजर नहीं आती, लेकिन इनका मजा हम महसूस कर सकते हैं। तो बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि पानी में चीजें हल हो जाने के बाद नजर नहीं आती, नजर न आने के बावजूद वो पानी में मौजूद होती है। तो बच्चा, हमने सीखा पानी गायब हो जाता है और पानी में कई सारी चीजें हल हो जाती है।